सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार का न्यूज सेट स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अलाइट मोशन में आ जाना है। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, एंड यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड ऊपर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके, आपको सेव पे क्लिक करना है, फिर इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को आपको ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर से शेयर का आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसी प्रकार से टोटल आपको 6 से 7 इमेज को क्रॉप कर लेना। ओके, तो मेरे हिसाब से आप 7 फोटो को क्रॉप कर लेना, अगर एक दो फोटो घट भी जाता है तो बाद में आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो टोटल आपको 7 फोटो को क्रॉप कर लेना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे 3 फोटो को क्रॉप कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली आपको इसी प्रकार से 7 फोटो को क्रॉप कर लेना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको फोटो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से आपको टोटल 7 फोटो को क्रॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने जो है फोटो को क्रॉप कर लिया है। अब जैसे फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, अब आपको यहाँ से बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो, तो एक पिक्स आर्ट करके एक पीएनजी है, अगर ये रिमूव हो जाता है ना तो आप मटेरियल से चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन जो मटेरियल्स वाले लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो वहाँ पे बिटमार से फिर अलग अलग प्रकार का जो अलग अलग मतलब लिंक रहता है, तो वहाँ पे एक लिंक रहता है मटेरियल्स करके, वहाँ पे आपको सॉन्ग और ये जो इमोजी वाला फोटो है वो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर यहाँ पे रिमूव हो जाता है तो आप क्या करना, ये जो इमोजी वाला लेयर है ना जिसमें पिक्सार लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना, इस टैक्स पे क्लिक करके आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं इसे क्या आपको दिखा देता हूँ। अब उसको आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से, तो इसमें जो वो इमोजी ऐड हो जाएगा। ओके, और बाकी इफेक्ट सब लगा हुआ है, आपको इधर कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपली आपको इधर आगे आ जाना है, आप सिलेक्ट करके। अब आगे आने के बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लेयर से बट हमने जो फोटो 7 फोटो ही क्रॉप किया है। तो आपको क्या करना है, हर एक 3 लेयर में एक फ़ोटो को यूज़ करना है, यानी कि एक फ़ोटो को 3 लेयर में यूज़ करना है। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है, 4.17 सेकेंड से ये फ़ोटो स्टार्ट हो रहा है बीट मार्क। ओके, तो लेयर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें मेरे हिसाब से न्यू प्रोजेक्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जो भी है इसमें लिखा हुआ है पिक्सार लिखा हुआ है। ओके, तो आपको करना क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, पहले वाले लेयर पर जो कि 4.20 सेकेंड पे, कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, इस टैक्स पर क्लिक करना है और आपको ऊपर अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। आपने जो फोटो क्रॉप किया है वो अलाइट मोशन फोल्डर में जाएगा, तो आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट करना है, अपनी पहले फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो एक लेयर यहाँ पे ऐड हुआ एक लेयर में, फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है, वही फोटो को सेकंड लेयर में सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड फिर यहाँ पे जो थर्ड नंबर का लेयर इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से 3 लेयर में मैंने एक फोटो को यूज किया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ये जो है ना लेयर है इसमें थोड़ा सा ऐसे कुछ एक ब्लैक ब्लैक लाइन रहता है, तो जैसे जिस लेयर में ये ब्लैक ब्लैक लाइन आ रहा है ना उसके बाद आपको फोटो को चेंज कर देना है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्लैक ब्लैक लाइन आ रहा है, तो इसके बाद जो लेयर है सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करने और अपना नेक्स्ट फोटो को आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपना सेकेंड फोटो को। ओके, एंड ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे
सो यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक लेयर में फोटो ऐड हुआ और आगे का जो दो लेयर है इसमें हम ऐड करेंगे। तो लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करेंगे, वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। एंड फिर से जो अगला लेयर इसमें देखो, इसमें जो ना हमारा रेड सॉरी गाइस ब्लैक ब्लैक लाइन है ना, तो ये भी हमारा जो है लास्ट फोटो है, मतलब लास्ट लेयर है इस फोटो का। तो एक फोटो को आपको तीन लेयर में ही लगाना है, उससे ज़्यादा में नहीं लगाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने पहले फोटो को भी तीन लेयर में लगाया शुरू के, फिर दूसरा फोटो जो है उसमें भी मैंने तीन लेयर में ही लगाया, उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा फोटो आएगा वो भी तीन लेयर में ही आएगा। तो चाहे छोटा छोटा लेयर हो चाहे बड़ा बड़ा लेयर हो, वो तीन लेयर में ही फोटो आएगा। तो फिर आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके इस टैक्स पर क्लिक करना है, जो अपना तीसरा फोटो है उसको सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये लगातार तीन लेयर में आपको ये फोटो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो जैसे ब्लैक ब्लैक लाइन वाला लेयर आता है, यहाँ पे आपको फिर से फोटो ऐड करना है उस वाले फोटो को, तीसरा फोटो को, उसके बाद जो अगला लेयर है यहाँ पे फोटो को चेंज कर देना है। ओके, तो गाइस इसी प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को यहाँ पे ऐड करते रहना तीन तीन लेयर करके। तो आई होप कि अब जो है आपको समझ में आ गया होगा, अब उतना समझाने की आपको मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे तीन तीन लेयर करके फोटो को ऐड करते रहना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस इसी प्रकार से तीन तीन लेयर में आपको फोटो ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला फोटो रहेगा वो चार लेयर में ऐड होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे जो 13.4 सेकंड से बीच मार स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर इधर लास्ट है जो चार लेयर है, इन चारों लेयर में कोई लास्ट वाला फोटो को आपको ऐड करना है। ओके, तो आपका जो लास्ट वाला फोटो रहेगा वो इन चारों लेयर में ऐड होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने आपको समझा दिया था कि आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि आपको एक लेयर बच गया इसमें कौन सा फोटो ऐड करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोटो क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको जो लास्ट वाले लेयर में मतलब यहाँ पे चार लेयर में लास्ट वाला फोटो को ऐड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक लाइन वाला लेयर आ रहा है ना, उसके बाद जो एक लेयर है इसमें भी आपको वही सेम फोटो को ऐड कर लेना है, इधर जो आपने तीन लेयर में ऐड किया है। तो इसी प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और सेकंड प्रीसेट को ओपन करना है। सो गाइस फिर आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीन लेयर को सिलेक्ट करना है, नीचे जो इमेज वाला लेयर है इसको यहाँ पे छोड़ देना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, और इस डब्बे वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमर प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, एंड शुरू में आपको इस वाले डब्बे वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर कर देना है, एंड सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका लेंथ लास्ट तक लेके आ जाना है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो कोई भी प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, तो अगर उसमें आप प्रैक्टिकल इफेक्ट कुछ लगाना चाहते हो तो देखो क्या करना है आपको, तो आपको शुरू में आना है प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे जो है एक शेप ऐड करना है यहाँ से। ओके, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना और कलर एंड फिल पे क्लिक करके पहले इसका जो कलर है यहाँ पे ब्लैक कर देना है, एंड इस शेप को लास्ट तक लेके आ जाना, बढ़िया रहेगा। ओके, फिर आपको इसी शेप पे क्लिक करना है और एड इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट है इस पर क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऊपर सर्च करना है SIM। ओके, इस पर मतलब ये जो सिंपल स्टार फिल आएगा इस पर क्लिक करके फ्लाई फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब आपको करना क्या है, ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है ये जो जेड है जेड पे आपको क्लिक करना है और आपको इसे ना लास्ट में आके जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है ना इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको इधर मतलब इधर से इधर स्लाइड कर देना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज है ना इसको थोड़ा कम इंक्रीज करना है, जैसे इसका जो स्पीड है ना वो उतना फास्ट ना रहे, तो जैसे कि आप लोग देखते हो इसको थोड़ा सा कम कर देना, बस इतना कर देना कि इसका स्पीड जो इतना फास्ट ना रहे। जैसे कि आप लोग देखते हो मैं अब थोड़ा सा प्लेयर देखता हूँ, अभी भी उतना ही फास्ट है, तो थोड़ा सा मैं पहले कम कर लेता हूँ फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कितना रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से स्लाइड कर करके वो कम कर देना है। ओके, तो मैंने अब जो है ना मतलब 100 के आसपास कर दिया है, तो अब थोड़ा कम ही हो गया, तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 200 के आसपास रख लेना, 200-250 जितना रख सकते हो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसी लेयर पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ओपेसिटी पर क्लिक करके आपको लाइटन पर क्लिक करना है और स्क्रीन कर देना है इस प्रकार से। ओके, सो गाइस फिर आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।